हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सेफ्टी के कोर्स के बारे में। कितने टाइप्स का कोर्स होता है और कब कौन सा कोर्स किया जाता है इसके बारे में। अगर आप भी सेफ्टी क्लास करना चाहते हैं, आप भी सेफ्टी प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट होगा। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अगर ये सेफ्टी फील्ड में आना चाहते हैं तो आपके पास 12th साइंस कोई भी होना चाहिए। 12th साइंस, 12th आर्ट्स, 12th कॉमर्स कोई भी होगा तो चलेगा आपके लिए। बीए, बीएससी, बीकॉम कोई भी ग्रेजुएशन होगा तो चलेगा आपके लिए। या इंजीनियरिंग डिप्लोमा, 2 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा, 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा, मैकेनिकल हो, इंस्ट्रूमेंट हो, इलेक्ट्रिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, कोई भी 3 इयर्स इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा हो या बीटेक हो इंजीनियरिंग आपको कोई भी फील्ड से, तो ये सब क्वालिफिकेशन जो है आपके लिए सेफ्टी प्रोफेशन के लिए एक्सेप्टेबल है। आप किसी भी स्ट्रीम से आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन कोई भी होगा तो चलेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन से क्वालिफिकेशन पे आप किस कोर्स को कर सकते हैं। सबसे पहले हम 12th से स्टार्ट करते हैं। 12th आर्ट्स, ठीक है ना, 12th कॉमर्स, 12th साइंस। यहाँ पे क्या है, 3 जो 12th का होता है इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट में क्या है, आपको सबसे पहले किसी भी इंस्टीट्यूट से सेफ्टी इंडस्ट्रियल डिप्लोमा करना पड़ेगा। एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी फायर मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी फायर मैनेजमेंट, ठीक है ना। ये 1 ईयर का सेफ्टी डिप्लोमा होता है। उसके सपोर्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, आईओएस या ओसा आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कोर्स 12th वाले के लिए एकदम परफेक्ट है। ये कोर्स आप करके सेफ्टी प्रोफेशन में आ सकते हैं। सेफ्टी प्रोफेशन में ये कोर्स अगर करते हैं आप, तो आप क्या फर्स्ट टाइम में डायरेक्ट गल्फ भी आ सकते हैं। जिसके पास भी ये कोर्स होता है, स्टैंड बाय मैन में, फायर वॉच में या WPR में, अगर आप अच्छे नॉलेज गेन करते हैं तो ये सब में आप 3 पोजीशन में आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास बीएससी है, बीकॉम है और बीए है कोई भी हो या 12th वाला, तो ये सेम कोर्स भी आप कर सकते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट से सेफ्टी डिप्लोमा कर सकते हैं, आईओएस कर सकते हैं, ओसा कर सकते हैं। कुछ दिन काम करने के बाद अगर सेफ्टी प्रोफेशन में आप ट्राई करते हैं, जॉब हो जाता है, इंडिया में हो या गल्फ में हो, तो आप निबोस आईजीसी वहां पे कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप निबोस आईजीसी भी, ये सब करने के बाद निबोस आईजीसी भी उसके साथ में आप कर सकते हैं। निबोस आईजीसी अगर आप करते हैं तो एकदम परफेक्ट है कि आपको सेफ्टी में जॉब मिलेगा। लेकिन निबोस आईजीसी नहीं है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंस्टीट्यूट से, और आपके पास क्या आईओएस है, ओसा है, तो ये सब पे क्या है ना, आप परमिट रिसीवर आराम से बन सकते हैं, फायर वॉच आराम से बन सकते हैं, स्टैंड बाय मैन बन सकते हैं, जिसमें आपका 1400-1500 रियाल स्टैंड बाय फायर वॉच में रहेगा और परमिट रिसीवर में 2000-2500 फ्रेशर में आपको मिल जाएगा। तो ये कोर्स करने के बाद ये 3 चीज में आप अप्लाई कर सकते हैं और सेफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हैं। 4 चीज में आप एकदम अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा आपके साथ, यहाँ पे क्या ना, इंस्टीट्यूट इतना ज्यादा खुल गया हुआ है जो अच्छे से किसी भी बच्चे को वो ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा है और इंटरव्यू की ट्रेनिंग नहीं करवा रहा। इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पे क्या, मेरा 6 इयर्स एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड में, और 6 इयर्स में हम इंडिया में 3-4 कंपनी चेंज कर चुके हैं, और यहाँ गल्फ में भी मैं एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ट्रांसफर ले चुका हूँ, और यहाँ पे मेरा बहुत सारे साबिक के बहुत सारे प्लांट में मेरा अप्रूवल है और प्राइवेट प्लांट में भी मेरा अप्रूवल है। तो यहाँ पे क्या है ना, आपका सबसे पहले क्या है ना, थ्योरी पे कमांड होना चाहिए। इंटरव्यू के लिए एक आप अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो आप क्या कोई भी क्वालिफिकेशन है, ये 3 चीज बेसिक है, इसमें ज्यादा इसका फीस भी नहीं होता है, तो ये 3 चीज आप करके आराम से गल्फ में डायरेक्ट आप आ सकते हैं एज अ परमिट रिसीवर, एज अ फायर वॉच, एज अ स्टैंड बाय मैन, और अच्छा पैसा आप आराम से कमा सकते हैं। तो ये कोर्स करने के बाद इसके ऊपर भी और भी बहुत सारा कोर्स है, लेकिन ये न्यू बंदे के लिए जो ज्वाइन करना चाहता है, तो पहले आप ये कोर्स करें, उसके बाद ज्वाइन करें, एक्सपीरियंस ले, उसके बाद जैसे जैसे आपको पोजीशन आगे बढ़ाना है तो उस तरह से आप अलग अलग कोर्स करते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है ना कि बहुत सारा, जैसे हम भी क्लास किए थे, तो वहां पे क्या, जब हम सेफ्टी डिप्लोमा किए थे इंडस्ट्रियल सेफ्टी फायर मैनेजमेंट, तो वहां पे क्या है, हमको उस तरह से नहीं पढ़ाया गया था जैसे अभी हम देख रहा हूँ, और जैसा मैं खुद से पढ़ा हूँ, जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस होता गया, जैसे जैसे मैं कंपनी चेंज किया हूँ, तो मैं बहुत कोशिश किया हूँ इसमें, बहुत पढ़ने का ट्राई किया हूँ और बहुत मैं पढ़ा हूँ। इसके वजह से अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, जहां पर भी हम इंटरव्यू देते, क्योंकि क्या है ना, आपको थ्योरी पे आपका कमांड होना चाहिए। थ्योरी पर जब तक आपका कमांड नहीं होता है
और एक अच्छा ट्रेनिंग आपको जब तक नहीं मिलता, यहाँ पे इतना ज्यादा इंस्टीट्यूट सब खोल के बैठा हुआ है और उसको पढ़ाने का टाइम नहीं है। तो अगर यहाँ पे क्या इंटरव्यू में पूछा जाता है, सबसे पहले आपको यह पढ़ाना, हम जहाँ पे पढ़े थे वहां पर बस सेफ्टी के बारे में बता दिया गया था, कुछ क्वेश्चन सर बता दिया गया था, और बहुत ही जल्दी जल्दी जितना भी होता है जो नॉर्मल सा जो सेफ्टी का होता है, जो आपको ज्यादा वहां पर इस्तेमाल भी नहीं होगा, वो क्वेश्चन सब पढ़ा दिया गया था। और हमको लगा हाँ ये बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन जब हम काम पे आए, जब हमको जब हम जैसे जैसे अपना इसमें ग्रोथ होता गया, जब हम साइट पे गए तो देख रहे हैं कि यहाँ पे तो बहुत कुछ बाकी है। जैसे आपको लिफ्टिंग से क्या है ना, 10-15 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, और मेरा इंस्टीट्यूट वाला वहां पर लिफ्टिंग के बारे में उसका नाम ही नहीं लिया था कि लिफ्टिंग होता क्या है। हमको यही नहीं पता था कि लिफ्टिंग क्या होता है, वेब सीलिंग किसको बोलते हैं, चैन सीलिंग किसको बोलते हैं, लिफ्टिंग का कैलकुलेशन कैसे करते, उसका परसेंटेज लोड कैपेसिटी कैसे निकालते, उसका रेडियस कैसे कैलकुलेट करते, क्रेन का क्या पार्ट्स होता है, उसको इंस्पेक्शन एज ए सेफ्टी ऑफिसर आप कैसे करेंगे, ये हमको पढ़ाया ही नहीं गया था। जो पेट्रोकेमिकल में इतना ये क्वेश्चन किया जाता है, आप कहीं पे भी जाएंगे एनएफपीए के बारे में हमको पढ़ाया नहीं गया, हम नाम ही नहीं सुने थे। इधर आने के बाद ये सब हम खुद से पढ़े, एनएफपीए के बारे में नहीं पढ़े, एच2एस गैस के बारे में नहीं पढ़े, एनएच3 गैस के बारे में नहीं पढ़े, सीओ गैस के बारे में नहीं पढ़े, सीएल गैस के बारे में नहीं पढ़े। ये सब इंडस्ट्रियल में कॉमन गैस है जो आपको कहीं पे भी मिल सकता है, और ये हर इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करेगा। एक्सकावेशन के बारे में नहीं पढ़े थे, टाइप्स ऑफ एक्सकावेशन क्या होता है, ये नहीं पढ़ाया गया था। तो ये क्या है ना, ट्रेनिंग के लिए ये बेसिक है, मतलब आपको ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि ये हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। आप भी अगर ये सेफ्टी का क्लास करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे आप ज्वाइन करें। और यहाँ पर ट्रेनर क्या है ना, ट्रेनर बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा, जो भी कंफ्यूजन है, कुछ भी कंफ्यूजन है, आपको अच्छे से ये दिया जाएगा। और ये मेरा रेफरेंस है, दूसरे किसी का रेफरेंस नहीं है, ये क्लास को हम खुद ज्वाइन करेंगे, खुद क्या मेरा एक्सपीरियंस है वो पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और जॉब के लिए भी कितना जो डिमांड मेरे पास आता है, जॉब का जो भी डिमांड आता है किसी भी कंपनी का, मेरे पास जो भी रिक्वेस्ट आता है वो डायरेक्ट आपको शेयर किया जाएगा। और इंटरव्यू के लिए, गल्फ इंटरव्यू के लिए आपको पूरा प्रिपेयर किया जाएगा। तो कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी है, यहाँ पर जो नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये नंबर पे आप डायरेक्ट व्हाट्सअप कीजिए। जिसको कोर्स करना है वो, जिसको कोर्स नहीं करना है, नॉलेज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको बहुत सारा आपको नॉलेज मिलता रहेगा, यहाँ पे पूरा इंटरव्यू के बारे में प्रिपरेशन चलता रहता है, इंटरव्यू के लिए न्यू क्वेश्चन आता रहता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको ज्वाइन कीजिए। और जो भी न्यू सेफ्टी ऑफिसर चाहते हैं कि सेफ्टी कोर्स करना और इंटरव्यू के लिए वेल प्रिपेयर्ड होना, गल्फ के लिए वेल प्रिपेयर्ड होना, तो ये नंबर पे आप व्हाट्सएप करें। इस क्लास को हम खुद ज्वाइन करेंगे, एज ए ट्रेनर हम ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, और आपको पूरा फुल इन्फॉर्मेशन, कोई भी कंफ्यूजन हो, गल्फ का कंफ्यूजन है, इंडिया का कंफ्यूजन है, क्लास का कंफ्यूजन है, वो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको एक एक करके डिटेल्स में दिया जाएगा। थैंक यू।